नागपुर चिड़ियाघर में कैद आरिफ का दोस्त सारस बहुत ज्यादा बीमार है और उसकी हालत बहुत ही नाजुक बताई जा रही है। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता होगा, अमेठी के रहने वाले आरिफ और सारस पक्षी की दोस्ती सोशल मीडिया पर छाई रहती थी और अब उनका बिछड़ना भी सुर्खियों में बना हुआ है। सारस को आरिफ से जुदा कर कानपुर चिड़ियाघर में लाया गया है, जहां सारस 15 दिन के लिए क्वारंटीन भी हुआ था और अपने दोस्त आरिफ से बिछड़कर सारस बेहद उदास है। जानकारी के अनुसार कानपुर चिड़ियाघर आने के बाद सारस ने खाना पीना तक छोड़ दिया है और आरिफ से दूर होने के बाद अब कानपुर चिड़ियाघर ही सारस का घर है। और आपको बता दे, अपने दोस्त से अलग होकर सारस बेहद दुखी है और इतने दिनों से खुले आसमान में रह रहे सारस को अब कानपुर के चिड़ियाघर के एक पिंजरे में कैद करके रखा गया है और खाना न खाने के चलते सारस का स्वास्थ्य भी लगातार खराब हो रहा है। और सारस के स्वास्थ्य का देखभाल करने के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर को भी बुला लिया गया है। और इस मामले में कुछ दिन पहले कानपुर चिड़ियाघर के PRO विश्वजीत सिंह तोमर ने बताया कि सारस तनाव में है, वह नई जगह आया है, इस वजह से थोड़ा समस्या आ रही है, कुछ दिनों में सारस का स्वास्थ्य सम्मान भी हो जाएगा। और सारस को इस तरह से बीमार देखकर आरिफ सारस का दोस्त बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहा है। आपको बता दें, आरिफ लगातार कोशिश भी कर रहे हैं कि वो अपने दोस्त सारस से मिलने कानपुर चिड़ियाघर जाएं, लेकिन उनको उनके दोस्त सारस से मिलने भी नहीं दिया जा रहा है।